ड्राई फिश जो मैं बाजार से खरीद के लाया था, उसके लिए पहले मैं बताया था हूँ छोटा सा टिप्स की ड्राई बेसिकली बहुत दिन के बाद मैं ये सेटअप में ब्लॉग बना रहा हूँ और बेसिकली मेरे को बहुत ही मज़ा आता है ये सेटअप में ब्लॉग बनाने में। सो अभी फ़िलहाल आज मैं बनाऊँगा ड्राई फिश जो मैं बाज़ार से ख़रीद के लाया था, उसके लिए पहले मैं बताया था हूँ छोटा सा टिप्स कि ड्राई फिश जब भी खरीद के लाओ आप दिन में दिन मतलब उसी दिन अगर बनाने जाओगे तो थोड़ा सा एक छोटा सा टिप्स है कि उसको लेने के बाद पानी में पहले उबाल लो। उबालने के टाइम थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी दे दो। तो मैंने पहले उबाल लिया, उबाल के इसको छकने के लिए रख दिया यहाँ पे। अभी ये इसका पानी निकाल लिया। अभी थोड़ा मेरे को प्याज लहसुन फिर अदरक ये सब मेरे को पेस्ट करना है, कुछ कुछ चॉपिंग करना है करके मैं रेडी कर लेता हूँ। रेडी करके फिर जो पकाने का प्रोसेस होता है मैं प्रोसेस दे देता हूँ, और चॉपिंग कैसे करना है कैसे नहीं करना है कितना क्वांटिटी देना होता है सब कुछ मैं बताऊँगा। सो तब तक के लिए देखते रहो। ड्राई फिश बनाने में जो जो चीज़ हम लोगों को पहले चाहिए वो तो पहले तो सबसे मास जो है जिसके बिना नहीं हो पाएगा वो है ड्राई फिश। सो ड्राई फिश मैंने ले लिया, उसको उबाल के रख दिया, उसका प्रोसेस कम्प्लीट हो गया। अभी सिर्फ जो सब्ज़ी वगैरह चाहिए उसका प्रोसेस है। यहाँ पे मैंने चॉपिंग करने के लिए ऑनियन रख दिया है, टमाटर दो, टमाटर दो, लहसुन और इतना सा जिंजर रख दिया और थोड़ा सा ये वाला धनिया पत्ता। सो बेसिकली ये नॉर्मल प्रोसेस है। इसके बाद अगर कोई और भी अच्छे से बना सकता है तो वो कर सकता है, वो उसका टैलेंट है। मैं जैसे बनाता हूँ मैं वाला मेरा प्रोसेस यही है। तो इसको चॉपिंग में पहले कर लेता हूँ, फिर कैसे चॉपिंग करना है, कितना सा पेस्ट बनाना है, कितना सा मतलब गोटा वाला रखना है, सब कुछ चॉपिंग वगैरह सब कुछ हो गया है। सो यहाँ पे मिक्सी में जो जाएगा, मिक्सी में ग्राइंड होने के लिए जो जाएगा, यहाँ पे है अदरक है, लहसुन है, प्याज है। प्याज बेसिकली तीन दिखाया था, उसमें एक प्याज यहाँ पे है, लहसुन है, जिंजर है, और यहाँ पे बाकी प्याज जो है दो प्याज उसको ऐसे मैंने चॉपिंग कर लिया। टमाटर है। अभी इसमें सिर्फ ऐड करना जो है वो है चिली। सो चिली मैं अभी फ्रिज से निकालूंगा, चिली यहाँ पे ऐड करूँगा, उसके बाद ये वाला रेडी हो जाएगा। और इसमें भी थोड़ा सा चिली मैं डालूंगा, वो चॉपिंग होने के लिए मतलब ग्राइंडिंग होने के लिए चला जाएगा। सो टेस्ट और भी बढ़िया हो जाएगा। ग्राइंडिंग में जो जाएगा उसमें चार मिर्चा मैंने दे दिया, और जो फ्राई होने के लिए जाएगा उसमें तीन दे दिया। सो इसमें क्या होगा, टेस्ट का फ़र्क हो जाएगा। सो अभी मैं पहले ग्राइंडिंग कर लेता हूँ, उसके बाद जब मैं कढ़ाई में जब ये जाएगा तो मैं प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। जब तक मैं ग्राइंडिंग वगैरह सब कुछ करता हूँ तब तक आप एक काम कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को दोस्तों के साथ शेयर कर लो, और एक नीचे लाइक बटन है वो वाला लाइक कर लो। और एक मेन चीज़ इसमें जो लगेगा वो मैं बोलना ही भूल गया, उसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी, वो है आलू। सो मैं रख लिया, चार आलू चाहिए मेरे को, 200 ग्राम मेरे पास ये ड्राई फिश है। सो इसके लिए चार आलू काफ़ी है, जिसको लंबा लंबा करके चॉपिंग कर लेना है। सो मैं इसका चॉपिंग कैसे होगा मतलब कैसा साइज़ होगा मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे टेस्ट और भी बढ़िया होगा और दिखने में डिशेस बहुत ही अच्छा लगेगा। सो मैं इसको पहले चॉप कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। लेकिन एक चीज़, इसको अच्छे से धोना है, इसका ऊपर का छिलका नहीं जाना चाहिए। अगर नया वाला आलू मिलेगा तो उसका ऊपर का छिलका मत मतलब उसका ऊपर का छिलका काटो ही मत, उससे टेस्ट और भी बढ़िया होगा। बट उसको धोना है बहुत ही अच्छे से, घिस घिस के रगड़ रगड़ के उसको धोना है, फिर जाके उसका टेस्ट और स्वाद। बाहर का मतलब बाहर से मैं बाजार करके लाया, ये मैं बहुत ही मैं ये आता है मेरे को चिढ़ आता है क्योंकि इतना ज़्यादा ये लोग केमिकल यूज़ करते हैं। देखो पूरा आलू का हालत देखो, ये अगर खाओगे ना गारंटी है हॉस्पिटल जाओगे ये अगर खाओगे। सो मैं ये वाला यूज़ ही नहीं करूँगा, ऐसा नॉर्मल आलू रहेगा तो भी ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत भाई देखो इसमें ठीक है वो वाला खा सकते हैं, लेकिन ये अगर खाओगे ना तो फूड पॉइजन गारंटी है। सो मैं तो नहीं खाता हूँ, आप लोग भी मत खाओ ऐसा वाला। तो आलू को बेसिकली ऐसे चॉप कर लेना है जिससे टेस्ट भी अच्छा लगेगा और ये फ्राई होने में भी बहुत कम टाइम लेता है। सो कढ़ाई मैंने गैस पर चढ़ा दिया है, अभी तेल इसमें डालना है, आलू पहले फ्राई कर लेना है, फिर मेरा ये वाला ग्राइंडिंग भी होके रखा है। सो पहले इसको फ्राई करेंगे, उसके बाद इस मसाला को बनाएंगे। सो तेल अभी गर्म हो रहा है, जैसे साउंड आ रहा है मतलब तेल धीरे 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 करके गर्म हो रहा है, और ये जो साउंड का तेल गर्म होने का साउंड है, ये साउंड जब स्टॉप हो जाएगा मतलब तेल बहुत ही हीटेड है,
तभी अगर कुछ खाना आप कढ़ाई में छोड़ोगे ना वो नीचे नहीं लगेगा। अभी क्या होगा, अभी अगर कुछ खाना छोड़ा जाएगा ना, तेल आधा गर्म है आधा ठंडा है, तो नीचे पकड़ लेगा, कढ़ाई के नीचे पकड़ लेगा। फिर उसको उठाने में, जब उसको धोगे ना, उठाने में बहुत ही प्रॉब्लम होगा। सो हमेशा कढ़ाई में अगर कुछ तेल में फ्राई करते हो तो तेल को पूरा हीट करने दो, उसके बाद ही छोड़ो खाना। सो ये आलू जब तक लाल लाल नहीं होगा, रेडिश कलर का नहीं आ जाएगा, जैसे ये वाला कलर थोड़ा सा रेडिश हो रहा है ये वाला, सो ऐसे जब तक कलर नहीं आएगा तब तक इसको फ्राई करते रहना है। तो उससे क्या होगा, टेस्ट भी बढ़िया। फ्राई करने के लिए मैंने प्याज टमाटर और मिर्चा दे दिया, थोड़ा सा तेज पत्ता, थोड़ा सा काला जीरा मैंने इसमें डाल दिया। अभी ये अच्छे से मेरे को भून लेना है, फ्राई कर लेना है, फिर थोड़ा सा ये लाल लाल हो जाएगा, उसके बाद मेरे को ये ग्राइंड किया हुआ मसाला इसमें डालना है, तो जाके इसका टेस्ट और भी बढ़िया होगा। अभी थोड़ा मतलब इसका टेस्ट बढ़िया हो गया है, अभी और भी बढ़िया होगा जब इसको जैसे प्रोसेस से मैंने बोला वो वाला प्रोसेस देने से घर में स्मेल नहीं होगा और टेस्ट भी बहुत बढ़िया होगा। खाने के टाइम में भी आप इजीली खा सकते हो। जैसे कि मेरा भूनना हो गया, अभी आप देख पाओगे कि कैसे लाल लाल हो गया, अभी ये लाल लाल हो गया। अभी फ़िलहाल मेरे को ये पेस्ट अभी यहाँ पे मेरे को डालना है, इसमें इसका जो पेस्ट था वो वाला पेस्ट था जैसे मैंने इस पर डाल दिया, थोड़ा सा पानी दिया, अभी इसको भून रहा हूँ मैं अच्छे से। अभी इसमें क्या क्या देना है, मेरे को थोड़ा सा हल्दी देना है, थोड़ा सा नमक और एकदम लाइट मेरे को शुगर इसमें ऐड करना है, तो जाके इसमें टेस्ट आएगा। शुगर मतलब बहुत ही कम, शुगर बेसिकली देना नहीं होता है लेकिन बहुत ही कम, फिर जाके टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर कोई शुगर यूज़ नहीं करता है तो वो फूड क्रीम यूज़ कर सकता है जो बहुत ही अच्छा है, शुगर के ऑपोजिट में वो काम। बेसिकली अभी इसमें थोड़ा सा मिर्चा, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा हल्दी मैंने यहाँ पे दे दिया, स्वाद अनुसार हिसाब अनुसार अब डालो इसमें। डालने के बाद अभी इसको अच्छे से भून दो, थोड़ा सा पानी लेके इसको भून दो, फिर स्मेल निकलता रहेगा। पानी लेके भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक, जैसे अब दिख पा रहे हो नमक दिख रहा है, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा शुगर मैंने डाला है। अभी इसको अच्छे से भून लेना है, भून लेने के बाद रेडी टू ईट हो जाएगा, फिर हम खा सकते हैं इसको। सो ड्राई फिश रेडी हो चुका है, अभी इसको ड्रेसिंग के लिए मतलब इसको और भी सुंदर बनाने के लिए थोड़ा सा हम धनिया पत्ता इसमें दे देंगे और थोड़ा सा ये जो मेरे पास कस्तूरी मेथी है थोड़ा सा डाल देंगे, तो इसमें क्या होगा, कोई खाने के टाइम अगर स्मेल लगता है तो स्मेल उसको नहीं लगेगा, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से वो ये जो डिश को है कोई भी सर्व कर सकते हैं, मतलब आप भी सर्व कर सकते हो और कोई भी खा सकता है इजीली, मतलब इसमें स्मेल और ज़्यादा नहीं आएगा ये दो इंग्रेडिएंट्स देने के बाद। अगर इसके बाद भी अगर इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो इसके साथ आप कश्मीरी मिर्ची डाल सकते हो, और नहीं तो जो फूड क्रीम है फूड क्रीम डाल सकते हो, थोड़ा कलर आएगा अलग, थोड़ा सा टेस्ट आएगा अलग, मतलब आप इसके साथ और भी इनोवेटिव करना चाहते हो तो कर सकते हो। सो ड्राई फिश इज़ रेडी। सो आज का ब्लॉग मैं यहीं तक ख़त्म करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो और दोस्तों के साथ मतलब देखो वीडियो को, ठीक है, और सब्सक्राइब करते रहो चैनल को, सब्सक्राइबर बढ़ाते रहो।